हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जनवरी और अभी सुबह के 10 o'clock हो रहे हैं। तो मैंने नहा वहा लिया है और अभी मैं पूजा का बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आज थर्सडे है तो मेरा थर्सडे का फास्ट रहता है। और मैंने अभी खाना नहीं बनाया है, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं बनाया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए हुए हैं मीटिंग में और सुबह सुबह ही गए थे, तो थोड़ा सा चूड़ा दही खा के चले गए हैं। और वंश को भी मैंने ब्रेकफास्ट में चूड़ा दही खिला दिया है। और पूजा करने के बाद मैं वंश के लिए सिर्फ चावल दाल और कोई सूखी सब्जी बनाऊँगी। और पूजा करने में भी मुझे 1 घंटे लगेंगे ही, क्योंकि इसमें थर्सडे की कथा होती है, वो कहनी होती है, पढ़नी होती है और फिर आरती, तो उस समय 1 घंटे लग जाते हैं। सो मैं यहाँ बर्तन धो रही हूँ और उसके बाद फिर मैं पूजा कर लूँगी। तो मैं बर्तन किचन में ही धोती हूँ, बट सिंक में नहीं डालती हूँ, क्योंकि सिंक में मैं नॉनवेज वगैरह का भी बर्तन धोती हूँ। तो बस मैंने स्लैब पे रख दिया है और फिर मैं यहाँ पे अच्छे से सबको वॉश कर ले रही हूँ। कथा मैंने पढ़ ली है और अभी मैं आरती कर रही हूँ, उसके बाद पूजा खत्म हो जाएगी। सो गाइस, अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे साग साफ कर रही हूँ। तो ये साग मैंने कल ही लिया था और कल का ही साग है, इसलिए थोड़ा सा सूख गया है। अभी मैं धनिया पत्ती साफ कर रही हूँ, उसके बाद बथुआ का साग साफ करूँगी। तो बथुआ का साग 2 गड्ढी साफ करना है। और इससे पहले मैंने मटर के भी दाने निकाल के रखे हैं, 1 kg मटर था और सारे दाने मैंने निकाले हैं, उसको फ्रिज में रखे हैं। और ये सब साग साफ करने में बहुत ही टाइम लग जाता है, 1.5 घंटे 2 घंटे तो मुझे ही लगे ही थे, क्योंकि धनिया पत्ती भी मैंने साफ करी, फिर बथुआ का साग साफ किया और मटर के दाने, तो मेरा हाथ दुख गया बहुत, क्योंकि बहुत टाइम लगा था। साग साफ करने में बहुत टाइम लगते हैं। और धनिया पत्ती तो बहुत ही ख़राब हो गया था, क्योंकि ये कल का ही था और मैंने फ्रिज में भी नहीं रखा। मैंने फ्रिज में इसलिए नहीं रखा क्योंकि मैंने इसको साफ़ ही नहीं किया था, तो धूल मिट्टी वगैरह थे थोड़े से और मुझे टाइम नहीं मिला था, इसके लिए मैंने साफ़ नहीं किया है। और अभी टाइम मिला है सो मैंने सोचा कि साफ कर लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा ख़राब ही हो गया था, थोड़े से ही धनिया पत्ती अच्छे निकले थे। सो मैं यहाँ पे इसको निकाल के और फ्रिज में मैं इसको रख लूँगी। और ये जो बथुआ का साग है, इसको मैं अभी साफ़ करके और अभी धो के कट करके और बना लूँगी। थाली में जो छाट के रख रही हूँ धनिया का डंडी वगैरह, ये सब ख़राब हो चुके हैं। और वो जो मैं पेपर पे रख रही हूँ वो सब अच्छे हैं, तो पेपर अच्छे वाले को मैं पेपर पे रख रही हूँ और ख़राब वाले को मैं फेंकने के लिए थाली में रख रही हूँ। तो और आज जो मैंने ये सूट पहना हुआ है, ये बहुत दिनों का सूट है, शादी से पहले का ही है, कम से कम 10 से 11 सालों का तो है ही। मैं सूट कम ही पहनती हूँ, इसलिए मेरा सूट रखा ही रह जाता है। बस मैं मेरे ससुराल में पहनती हूँ, यहाँ तो मैं पहनती ही नहीं हूँ, कभी कभी पहनती हूँ साल में 1-2 बार। सो मेरा जितना भी पुराना सूट है सब रखा हुआ ही है। मैंने बथुआ के साग को अच्छे से साफ कर लिया था, उसके बाद मैंने उसको 3-4 पानी से वॉश कर लिया है, क्योंकि उसमें मिट्टी रहते हैं, इसके लिए ज़्यादा पानी से हमें साफ करना होता है। और फिर मैंने उसको कट कर लिया है। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, ऑयल के गर्म होने के बाद मैंने इसमें जीरा डाला, राई, और अभी मैं 2-3 सूखी मिर्ची डाल दूँगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा हींग डाल दूँगी और 6-7 लहसुन की कलियाँ को मैंने बारीक काट ली है, वो डाल दी है। उसके बाद अब ये जब थोड़े से भून जाएंगे तब मैं कटा हुआ बथुआ का साग इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। नमक मैं अभी ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि साग गलेंगे उससे जल्दी पकेंगे नमक से, इसके लिए मैंने नमक डाल दिया है। और उसके बाद मैं इसमें 1 ग्लास के करीब पानी ऐड करूँगी और फिर ढक के 12-15 मिनट तक पका लूँगी।
बीच बीच में हम साग को एक से दो बार चेक करके देख लेंगे, नहीं तो पानी कम हो जाएगा साग में तो साग जल भी सकता है। सो यहाँ पे मैं इसको चेक करके देख ले रही हूँ, तो ये लगभग पक ही गया है, बस थोड़ा सा और पकाना है। तो अभी मैं इसको ढक के थोड़ी देर तक और पका लूँगी। अब देखिए मैंने 3-4 मिनट तक और इसको पका लिया है, अभी मैं यहाँ पे चेक कर ले रही हूँ। तो साग बन के रेडी हो गई है, हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? अभी शाम के 7 o'clock हो रहे हैं और मैं कहीं जाने के लिए रेडी हुई हूँ। मैं कहाँ जाने के लिए रेडी हुई हूँ ये आप लोगों को कल के ब्लॉग में पता चलेगा, तो सोचा आज के ब्लॉग का एंड कर देती हूँ। कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से कल एक अच्छे स्नैप ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना।